नमस्कार दोस्तों, ये दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में दोस्तों, और दोस्तों इसमें ऑल इंडिया एलिजिबल है। और दोस्तों फ्रेशर्स के लिए दोस्तों जिसमें 308 पोस्ट हैं, और इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए दोस्तों 203 पोस्ट है। दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए है दोस्तों। और दोस्तों आपको डिटेल वाइज ये जो जॉब है दोस्तों वो एक दिन पहले ही पोस्ट आउट हुई है। तो दोस्तों बिल्कुल फ्रेशर वैकेंसी है, बहुत अच्छी है दोस्तों। इसमें अगर आपका हो जाता है बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, और ये परमानेंट जॉब भी हो सकती है दोस्तों। एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है ये फ्रेशर और एक्सपीरियंस वालों के लिए। दोस्तों सबसे पहले आपको आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको इसका कैरियर पोर्टल खोलना होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। दोस्तों इसकी जो है इसका वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। और ये जो है दोस्तों आपको इसका एडवर्टीजमेंट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा क्लिकेट व्यू द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। आपको डिटेल्ड वाइज पूरा का पूरा बताऊंगा दोस्तों कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, उसमें आप ही का बेनिफिट है दोस्तों। क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है, कहां कहां इसमें पोस्ट रहने वाली है, कौन कौन से इसका नंबर है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप देख ही रहे हैं दोस्तों, ये दो वैकेंसी ये जो है ये दोस्तों ये ट्रेनी इंजीनियर के लिए दोस्तों 308 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 203 है दोस्तों। इसमें एज है 25 साल और इसके 28 साल दोस्तों। इसमें अनरिजर्व्ड ये पूरा का पूरा कैटेगराइज वाइज लिखा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों ये जो है ये आपकी जो फर्स्ट सैलरी ट्रेनी इंजीनियर के लिए जो फर्स्ट ईयर की सैलरी रहने वाली है वो 25,000, सेकेंड ईयर की 28,000 और थर्ड ईयर की 31,000। ऐसे ही दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर वाले के लिए 35,000, 40,000, 45,000, 50,000। दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी इजीली नहीं मिलती दोस्तों। ये एक चीज याद रख लीजिए कि 4% जो दोस्त जो 4% पोस्ट है वो डिसेबिलिटी वालों के लिए है, मतलब पीडब्ल्यूडी वालों के लिए दोस्तों। इसमें एज रिलैक्सेशन जो दिया हुआ है दोस्तों वो 5 साल दिया हुआ है एससी एसटी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 3 साल, और दोस्तों पीडब्ल्यूडी वाले मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है दोस्तों उसके लिए दोस्तों 4% सीट में भी 10 साल रिलैक्सेशन दिया हुआ है दोस्तों। इसमें जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट रहने वाला है वो आपको डिटेल वाइज बताता हूं दोस्तों। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए दोस्तों जो फर्स्ट है 2 साल का टेंचर रहने वाला है, और आपका 2 साल और इंक्रीज होने के जो है आपका चांसेस है दोस्तों। दोस्तों इन्होंने लिखा है कि आपका हो सकता है दोस्तों, इसीलिए इन्होंने फर्स्ट ईयर जो सैलरी दी है दोस्तों 35,000 रुपए, सेकंड ईयर 40,000 रुपए, थर्ड ईयर 45,000 और फोर्थ ईयर 50,000 रुपीज दोस्तों। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जिसके लिए इन्होंने मांगा है दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि मैं आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर फ्रेशर वालों के लिए, फ्रेशर वालों के लिए दोस्तों इन्होंने क्वालिफिकेशन क्या मांगी दोस्तों, ओनली 4 ईयर्स की जो अपना फुल टाइम बीटेक बीई रहने वाली है दोस्तों अगर आपके पास इसे। और दोस्तों इसमें क्या है, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। और दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपको देख भी रहा होगा स्क्रीन पे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है दोस्तों। दोस्तों इसमें जो है दोस्तों फर्स्ट क्लास पूरा का पूरा, जो अगर एससी एसटी से भी है तो अभी आपका फर्स्ट क्लास रहना ही रहना कंपलसरी है दोस्तों। दोस्तों ये जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है जो दोस्तों 1/8/2021 तक दोस्तों जो फ्रेशर है दोस्तों, एक चीज और है दोस्तों, 2021 का बैच का पास आउट एलिजिबल है दोस्तों। इसमें अगर आप 8th सेमेस्टर में है अभी और आपका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, आपका एग्जाम हो गया है उसका रिजल्ट नहीं आया है, आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप एलिजिबल हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों ऐसे ही प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और 2 साल का आपको विद डॉक्यूमेंट्स जो आपका एक्सपीरियंस लेटर होता है उसके हिसाब से आपको सबमिट करना होगा दोस्तों। दो साल बहुत ज्यादा नहीं होते तो इसलिए अगर आप एलिजिबिलिट हैं तो आप इसको सबमिट जरूर करें दोस्तों। इसमें जो है एग्जाम भी नहीं होने वाला, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड जॉब है दोस्तों। ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है दोस्तों, एडवर्टीजमेंट के हिसाब से इसको पकड़ा लिया जाएगा दोस्तों। ये जो परसेंटेज बीटेक को एक्सपीरियंस 75% दोस्तों आपकी परसेंटेज मैटर करेगी दोस्तों, और इसमें 25% 10% विल बी रिलेटेड एक्सपीरियंस दोस्तों, 10% इसमें एक्सपीरियंस मैटर करेगा, और इसमें 15% दोस्तों आपका रहने वाला है जो आपका इंटरव्यू वेस्ट दोस्तों। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 15% रहने वाला वेटेज इसमें 1:5 का रहेगा, मतलब 1 क्वेश्चन गलत और 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन सही 5 क्वेश्चन गलत, ऐसे इक्विवेलेंट हो जाएगा दोस्तों। ये वेटेज रहने वाला है दोस्तों। ये जो है रिजल्ट विल बी फाइनल सिलेक्शन विल बी दोस्तों, ये जो वेबसाइट पर ही आएगा पूरा का पूरा जो आपका रिजल्ट भी आएगा दोस्तों, इसकी लास्ट डेट जो है 15/8, ये आप जरूर याद रखें। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको जल्दी से जल्दी भर लें दोस्तों। ये जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 500 रुपये रहने वाली, ट्रेन इंजीनियर के लिए 200 रुपये रहने वाली दोस्तों। ये 500 रुपये और 200 रुपये की ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको जरूर सबमिट करें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम निकलती है। और अब जिससे भी स्ट्रीम से, अगर 4 स्ट्रीम 5 स्ट्रीम में से हैं तो आप इसको बिना निसंकोच आप इसको सबमिट करें, होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो है एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट दोस्तों, इसके लिए जो है ऑनलाइन ही सबमिशन होगा। अगर
ऑफलाइन करना है तो SBI की कलेक्ट नंबर रेफरेंस नंबर आपको डाल के उसका पेमेंट करनी होगी। दोस्तों ये जो है BE BTEC दोस्तों डाउनलोड जो डॉक्यूमेंट आपको करने पड़ेंगे 10th की मार्कशीट BE BTEC की, और दोस्तों इसके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसमें अपलोड करनी पड़ेगी, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपका एक्सपीरियंस है दोस्तों जो आपका एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस लेटर के साथ अगर आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए सबमिट कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी लगाने होंगे। दोस्तों ये पूरा का पूरा आपको आना है दोस्तों, ये ओनली इंडियन नेशनल नीड अप्लाई। दोस्तों आप अगर हिंदी में सुन रहे हो तो ऑब्वियसली आप इंडियन ही हैं, उसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये है, ये आपको मैं बताऊंगा कि इसको सबमिट भी कैसे करना है। दोस्तों एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलाउंसेज रहने वाले हैं, इसकी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, इसके अलाउंसेज रहने वाले, तो इसको 10,000 रुपये साल का आपको अलाउंसेज भी दिए जाएंगे फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल पर्पसेस। दोस्तों ये पूरा का पूरा मेंशन है, और दोस्तों इसका आपको बताऊंगा कि इसको सबमिट कैसे करना है और कहाँ इसको कैसे फिल करना है, हाउ टू अप्लाई भी बताऊंगा दोस्तों कि इसको कैसे करना है। दोस्तों जब जैसे इसको पीछे से ये पूरा का पूरा कैंडिडेट, दोस्तों ये जो है ये भी बोल रहे हैं कि आपको ऑल इंडिया पैन इंडिया मतलब कहीं भी आपको पोस्टिंग एज पर कंपनी के डिपार्टमेंट के हिसाब से जहाँ उनकी ज़रूरत है वो आपको दे सकते हैं। दोस्तों इस जो आपको इसको फिलअप करना है वो अप्लाई ऑनलाइन पर जाके दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपको जो पूरा का पूरा सेटअप हो गया, उसमें फर्स्ट जो प्रोसीजर है वो साइन अप का है दोस्तों। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपने नाम, फादर नेम, और अपने क्या आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से साइन अप करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप वाला पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे कैसे आपका हो रहा है। दोस्तों पूरा का पूरा ये जहाँ आपने प्रोसीजर देखा दोस्तों, सबसे पहले जो है ये पोस्ट अप्लाइड फॉर, अगर आप ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए कर रहे हैं ट्रेनिंग इंजीनियर डालना है, आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कर रहे हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर डालना है। डालने के बाद दोस्तों नीचे आपका नाम जो भी है, ईमेल आईडी, और दोस्तों आपका जो मिडिल मोबाइल नंबर है वो आ जाएगा दोस्तों, मेल फीमेल ये पूरा का जो जनरल क्राइटेरिया है वो आपको आ जाएगा। दोस्तों आप फिजिकली एबल्ड है नहीं है दोस्तों, आप ये बेल एम्प्लॉय हैं, आपके फादर कोई बेल एम्प्लॉय हैं, तो आप ऐसे करके आप अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है ये अगर आपको डेली अपडेट के लिए अगर आपको चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो हूँ मैं आपको डेली 4 से 5 वीडियो टेक्निकल नॉन टेक्निकल वीडियो लाता रहता हूँ, जिससे आपके लिए एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम निकलती है, आप अगर आप अप्लाई एलिजिबल हैं तो आप इसको फॉर्म को जरूर भरें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर डेली अपडेट्स के लिए। मिलते